कितने लोग बोलते हैं कि हमारे पास, कहते हैं ना, जिस हिसाब से पैसा आना चाहिए वो पैसा आ नहीं पाता, पैसा आता है तो जुड़ नहीं पाता। 20 साल 25 साल हो गए हमें जॉब करते हुए, जिस हिसाब से सेविंग होनी चाहिए, बरकत होनी चाहिए, सेविंग तो बड़ी दूर की बात है, खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं ना। आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी से और वास्तु से भैया क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज फेस करने को पड़ी है, जिससे बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शानू सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ भैया, क्या रीजन हो सकता है कि भाई जिस हिसाब से हमारी तरक्की होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारी बरकतें होनी चाहिए, वो बरकत हो क्यों नहीं पा रही? जब कहते हैं ना, चंद्रमा अगर ग्रसित हो जाता है, वो क्या कहते हैं राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं पहली चीज तो हमारे एक तो कंसंट्रेशन भी नहीं रह पाती, जिस हिसाब से हमारा पैसा आना चाहिए, पैसा जुड़ना चाहिए, वो हो नहीं पाता। अगर चौथा घर, कहते हैं ना, अगर चौथा घर में कोई प्लेनेट नहीं है तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है कि वो जो कहते हैं ना घर है वो सोया हुआ है। हालांकि हम उसको भी जगाएंगे, आप चिंता ना करो, सीधी बात है। नौवे घर का, चौथे घर का किसी भी हाल पे, कहते हैं ना, अगर वो सैटर्न शनि के साथ वो कंजंक्शन हो गई उसके 9th हाउस में या उसके 4th हाउस में, अगर ये कंजंक्शन है या एस्पेक्ट है, या छठा घर, आठवां घर, बारहवें घर का किसी भी, कहते हैं ना, रूप में संबंध बन रहा है उस प्लेनेट में, कहीं ना कहीं कहते हैं ना दे झटके पे झटके। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट वैसे एक आपको बात बता दूं, ये तो मेरी वीडियो तो कहते हैं ना नॉन एंडिंग हो जाएगी अगर मैंने आपको रीजंस बताए, क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, कोई भी हमारी लाइफ में जो चीजें पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, वो एक रीजन नहीं होता, एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन को नहीं बोल सकते कि हाँ भैया ये इस वजह से हमारे लाइफ में ऐसी चीज हुई, ना जी ना, कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और बहुत सारे कंजंक्शंस कह लो, एस्पेक्ट्स कह लो, वो कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट चलो, व्हाटसोएवर इट इज, चलो अब करते हैं हम लोग वास्तु की बात। ये बात फैक्ट है कि हमारा जो साउथ ईस्ट एरिया होता है ना, साउथ ईस्ट एरिया होता है इनकमिंग कैश का, फैक्ट है। लेकिन हमारा जो वेस्ट, साउथ वेस्ट कहते हैं ना, साउथ ईस्ट एरिया तो ठीक है भैया, लेकिन समझ नहीं आ रहा यार, पैसा जुड़ नहीं पा रहा। साउथ ईस्ट में तो अच्छा खासा कमरा बनाया हुआ हमने सारा, कोई भी एंटी एलिमेंट भी नहीं यूज किया हुआ, कुछ भी नहीं यूज किया हुआ, ना तो हमारा काला रंग का कुछ चीज है, ना नीली रंग की कोई चीज है, तो भाई पंगा आ कहाँ रहा है? अब बताती हूँ, वेस्ट साउथ वेस्ट जो होता है वो एरिया होता है हमारे सेविंग्स का। अगर वहां पर टॉयलेट आ गया, वहां पर कट आ गया या टॉयलेट आ गया, तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा। हो सकता है साउथ ईस्ट एरिया और दशाएं जबरदस्त कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पैसा दे रही है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। मैंने एक आपको बात बताती हूँ, मैं एक बार हम वास्तु विजिट पे गए थे, ठीक है, उन्होंने, अब मैं बताती हूँ क्या, जैसे उन्होंने बोला था कि हम ना शैना जी, हम ये ना फ्लैट लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी कोई लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, ठीक है, तो ऐसी आरिका मैम और मैं इकट्ठी गए हुए थे, तो हमने पूछा, मम्मी ने कहा कि आपकी सेविंग हो पा रही है? कहती, जो था भी वो भी निकल गया। आप समझे उनके ये वर्डिंग्स थे, जो था भी वो भी निकल गया। क्यों? वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। अब चलो मान लो आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, कोई हमने प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम गिननी नहीं है, ये दोष है, वो दोष है, ये है, वो है तो है, अब उसका करे क्या, है कि नहीं? मुद्दा यहां आना चाहिए, व्हाइट कलर की जो टेप होती है, व्हाइट कलर की टेप है ना, व्हाइट कलर की 2 से 3 इंच की जो टेप है कि नहीं, वो जो है अपना, जहां पर आपका पॉट है, पॉट के आसपास चारों पास से जमीन पर पहली चीज वो चीज लगा दो। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको मैंने बोला था, कोई ना कोई, वैसे भी अगर वो ठीक भी है, उसको इनहेंस करने के लिए एक तो गुल्लक भी रख दो, वेस्ट में एक चेस बोर्ड भी रख दो, वेस्ट एरिया में चेस बोर्ड, डन डील वगैरह, वो चीज तो बताई थी, अभी तो और भी चीजें बतानी थी, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी। वेस्ट में भी चेस बोर्ड लगा सकते हो, और वेस्ट साउथ वेस्ट में भी
चेस बोर्ड लगा सकते हो जो उस एलिमेंट को इनहेंस करेगा। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज आती है, अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझी जाए, शनि बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी, जो वो कहते हैं ना, मतलब क्या, अगर शनि नेगेटिव हो गया तो क्या करता है, अच्छी खासी फाउंडेशन को पट पिछाड़ मारता है, अच्छे खासे रिश्ते को ले पिछाड़ मारता है। बराबर, क्या करोगे? एक तो पहली चीज क्या कहते हैं, थोड़े से जो साबुत बादाम होते हैं वो हल्दी लगाकर किसी भी लोहे के डब्बे में डालकर किसी भी अंधेरी कमरे में रख दो। पहली चीज ये हमने किया शनि की चीज। और एक और चीज बता देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो साबुत 8 साबुत बादाम जो होते हैं वो शनिवार से या मंडे से, शनिवार से ही कर लो, मैं तो कह रही कोई बात नहीं, मंडे से भी कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। शनिवार से 8 साबुत बादाम अपने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, ठीक है, वहां पर बैठकर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या अपना महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओम ओम जूम स ओम भूर्भुवस्व वो वाला, ठीक है। 4 बादाम अपने घर पे लेके आने हैं और एक वो जो डब्बा होता है लोहे का, सेम डब्बा जो होता है ना, वो भी अंधेरी कमरे में रखना है। एक पे तो हमने हल्दी, एक वो जो हमने साबुत बादाम रखे थे उस पे तो हल्दी चढ़ाई थी, उस पे तो बृहस्पति चढ़ाया था, क्योंकि अगर शनि वो जो बादाम है वो कहते ना मेहनत करवा रहा है तो बृहस्पति उसका फल देगा, तो हमने वो चीज घर पे भी स्थापित कर दी। पॉइंट है कि नहीं, प्रॉपर कंसल्टेशन कर रही, कहाँ मिलेगा ऐसा, है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा है ना, अब आपने क्या करना है, वो 12 बादाम आपने अपना, 8 बादाम सॉरी 8 बादाम आपने शिवलिंग पे चढ़ाने, 4 आपने घर पे लेके आना, लोहे के डिब्बे में भरते जाओ 43 डेज तक। अब लेडीज बोलेंगे हम 43 डेज तक नहीं कर सकते, आप अपने हस्बैंड को बोल दो, अपने भैया को बोल दो, किसी को घर पे, मैं चाहती हूँ कि ये ब्रेक ना हो, किसी के हाथ से घर के मेंबर से करवाते हो तो वो भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 43 डेज तक आप 4-4 बादाम लेके आए, 1 साल तक अपने पास ये रख दो, अंधेरी कमरे में होने चाहिए, लोहे के डिब्बे में। अब क्या करोगे, 1 साल बाद इसको अपने जल प्रवाह कर देना और नया वो लेके आ जाना है ना, नया सेम तरीका 43 डेज तक करते रहो। अब मुद्दा आता है कि भैया चौथे घर को हम कैसे इनहेंस करें। अब चौथे घर का जो वो क्या कहती है, वो कहते हैं ना उच्च का ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है कि नहीं। बृहस्पति को उठाने के लिए कल भी बताया था आपको, 400 ग्राम चने की दाल जो होती है जल प्रवाह कर दो, मैं कहती केतु को उठाने के लिए 3 केले दे दो और मंगल को बलवान करो, क्योंकि वो जो मोटा पैसा देता है वो फैक्ट है कि वो शुक्र भी देता है बृहस्पति भी देता है, लेकिन मंगल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो चीज करता है। तो क्या करोगे, दूध में जो हलवा बना होता है वो एक बार धर्म स्थान पे थोड़ा सा वहां पर रखे और बाकी बांटते चले जाओ मंगलवार मंगलवार मंगलवार। ये जो एक चीज है आपका कहते हैं ना बेड़ा पार करता जाएगा। आपको रोज मैंने ऐसी ऐसी चीजें बतानी है, आप घबराना बंद कर दो। एक तो पाखंड की दुकानों के ये जी 2.5 लाख पूजा 2 लाख, तुम्हारे पति मुंह नहीं देखेगा, बच्चा मुंह नहीं देखेगा, तुम्हारी बेटी का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की लिस्टें तैयार है, डरना परना छोड़ दो। पहली चीज तो कहते ना, जिसने अपनी किस्मत में जिसने साथ रहना लिखा है ना, कुछ भी हो जाए वो जब चाहेगा ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। सर पटक लो, अगर उसने कुछ चीज नहीं लिखी ना तो नहीं होगा। तो बेटर है कि इधर उधर अपने डर के, कहते हैं ना जब कोई बंदा हमको इतना बोलता तो हम क्या सोचते हैं, हमारी लाइफ हम इतने बुरे हैं कि ऊपर वाले ने वो जो बैठी सरकार है वो इतना रूठा हुआ है हमारे साथ ऐसे करेगा, तो हम क्या करते हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये उनके, उनको तो पता भी नहीं नीचे है, कहते हैं ना उनका वो भी सर पकड़ के बैठते होंगे, ये क्या कर रहा है मेरा बंदा, इसको क्या सोचकर बनाया था और ये क्या बनता चला जा रहा है। सीधी बात है, मेरे को बोलने में शर्म नहीं है, सही चलो सब होता चला जाएगा। देख रहे हो ना लाखों लोगों के कैसे कैसे बड़े बड़े काम बन रहे हैं जो सालों से नहीं बने थे, देख ही रहे हो, बोलने वाली बात नहीं, ठीक है। बादशाह लोगों, मैग्निफाइड हीलिंग सीखो,
एक बार मेरी बात मान के मैग्निफाइड हीलिंग सीखो, अपने डीएनए को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने मस्तिष्क को हील करो। जहां पर कहते हैं ना सारे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है मस्तिष्क में ही तो है, कितनी बार समझाए, सीधी बात है कहते हैं ना। और अपनी फैमिली को हील करो, अपने काम को हील करो। एक बार ये चीज करते हो ना जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे, मेरे को पक्की गल है, पक्की गल है। लेकिन करना जरूरी है ना, सीख लेते हम, ये भी सीख ले वो भी सीख ले, उसको अगर हम अपनी जीवन में उतार ही नहीं रहे तो फिर क्या फायदा। पहली चीज ये, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन ऑन है, सेल्फ वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन ऑन है। सही सीखो, सही गाइड करो, फोखा फाकी पे ना अपनी कहते ना कार्मिक कर्जे बढ़ाते जाओ, ना तो दूसरों की जिंदगी तबाह करो। बड़ी पक्की नॉलेज है, बड़ी एकदम कहते हैं ना करेक्ट नॉलेज है, करेक्ट वे से लोगों में बांटो, सीधी बात है। ठीक है बादशाह लोगो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।